हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपने मिनी गार्डन के कुछ पुराने बैंगन के प्लांट हैं उनकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मेरे बैंगन के प्लांट हैं, ये एक से डेढ़ साल पुराने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्दियों में प्लांट होते हैं, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इनको फरवरी मार्च में हमें इनकी कुछ केयर कर लेनी चाहिए, तो कि हमें पूरी गर्मियों में अच्छे से फ्रूट दें। तो पहले नंबर वन पे हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो इसकी जो कटिंग है वो अच्छे से हमें हार्ड कटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे तो इसमें नई पत्तियाँ आएंगी और अच्छे से फ्लावरिंग होगी, तो अच्छे से फ्रूट भी आएगा। तो इसकी अच्छे से कटिंग करने के बाद इसमें जो ये जंगली बीड्स होते हैं वो सारे निकाल दें और अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेनी है। देखो फ्रेंड, जैसे मैं ये इसकी अच्छे से गुड़ाई कर रही हूँ, ऐसे आप सब प्लांट की गुड़ाई कर लिए। अगर आपके पास भी ऐसे पुराने अगर हैं बैंगन के पेड़, तो आप इसमें कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये जो मैंने ये कटिंग की, उसमें आपने थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देनी है। तो हल्दी लगाने से क्या होगा कि आपके जो प्लांट हैं, अगर बारिश होती है, जो कटिंग हमने की है उसमें ये सड़ने का डर रहता है, ये सड़ सकते हैं, तो इसलिए। और फिर इसमें आपको अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसमें आप अच्छे से जो मैं तो बर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो दूंगी, तो 20% बर्मी कंपोस्ट रहेगी और बाकी तो इसमें मिट्टी है ही, तो इससे हमारा पौधा अच्छे से चलेगा बाद में। और मैं अपने किसी भी प्लांट में केमिकल वाली खाद कोई भी नहीं देती हूँ, तो इसलिए आप बर्मी कंपोस्ट दें। जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो वो आप दे सकते हो। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर और भी आपके पास कोई टिप्स हो तो आप मुझे बता सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।